अब 40 से 50 हज़ार के बीच में अगर आप फोन लेने निकलते हो तो दुनिया भर के ऑप्शंस गिना देते हैं आपको लोग। और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, यूट्यूब पर जाते हो, रिव्यूज देखते हो, कंपैरिजन देखते हो, बैटरी टेस्ट, परफॉर्मेंस सब देखते हो, राइट। बट यही सब अगर आपको सारे के सारे फोन एक वीडियो के अंदर क्लियर शब्दों में अगर कोई समझाए तो कैसा रहेगा, राइट। वेल यही इस वीडियो का पॉइंट है। मैंने 50,000 के अंदर जो फोन्स आते हैं उनको खरीदा, काफी महीनों से हम टेस्ट भी कर रहे थे और ये वीडियो बनाया ताकि आपको पता चल सके कि स्मार्टफोन बेस्ट अंडर 50,000 कौन सा हो सकता है आपके लिए और मैं क्या रिकमेंड करता हूँ। मेरा नाम है कौशल और आप देख रहे हो कैशिफाई। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि हम नए स्टूडियो में आ चुके हैं, कॉन्टेंट का लेवल हो गया है 100x। तो लेट्स बिगिन। अब आप अपनी स्क्रीन पर ये एक टेबल देख पा रहे होंगे। ये मैंने टेबल इसलिए बनाई ताकि मैं इन स्मार्टफोन्स को कैटेगराइज कर सकूं। और वो कैटेगरीज क्या है, सबसे नीचे जो कैटेगरी है वो है हार्ड बार्गेन। इस कैटेगरी में जो फोन आएंगे उनको आप सिर्फ तभी लोगे जब आप बहुत ज्यादा टाइट स्पॉट में फंसे हुए हो, आपका बजट बहुत टाइट है और थोड़ा सा भी विगल रूम नहीं है एडजस्ट करने का। इसके ऊपर जो कैटेगरी वो है जस्ट वन रीजन। यहाँ पर जो भी फोन आएंगे वो सिर्फ आप एक रीजन की वजह से लोगे, भले वो एप्पल का लोगो हो सकता है, गिम्बल स्टेबिलाईजेशन होता है, 60x जूम हो सकता है, मीनिंग कि एक अच्छा फीचर आपको पसंद है इसीलिए आप उसको ले रहे हो। इसके बाद आता है सेफ एंड साउंड कैटेगरी। यहाँ पर जो भी फोन्स मैं रखूंगा वो बहुत डिसेंट फोन्स हैं और आप उनको आराम से खरीद सकते हो, उनमें फीचर्स भी अच्छे होते हैं और वैल्यू भी अच्छी प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्राइस। और उसके ऊपर आता है कैशिफाई अप्रूव्ड। ये एक फोन्स वो हैं जिन पे मैं अपनी सील ऑफ अप्रूवल लगा के दूंगा और आप आंख बंद करके इन फोन को खरीद सकते हो। चलो तो फिर लड़ाई कराते हैं फोन्स के बीच में नहीं, उनके फैंस के बीच में। तो सबसे पहले जो बॉटम टीयर का पहला धुरंधर है वो है iPhone 11। 2022 में भी 50 से 55 हज़ार रुपये का मिलता है और फिर भी सिर्फ LCD स्क्रीन आती है, बट क्योंकि इसके अंदर कैमरा बहुत अच्छा है तो लोग इसको काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरा, ये फोन 3 साल पुराना हो चुका है बट फिर भी एप्पल इसको अगले 3-4 साल तक सपोर्ट करेगा, तो प्रोज कॉन्स दोनों हैं इस फोन में। बाकी बैटरी ठीक है, इन हैंड डिजाइन और फील भी ठीक है। तो अगर आपका कोई दोस्त है जो इस फोन को लेने का मन बना चुका है तो उसको बोलो, अरे भाई क्या कर रहे हैं यार तू, कैशिफाई का वीडियो देख। वेल जोक्स असाइड, अगर आप आईफोन 11 लेने का सोच रहे हो तो मैं रेकमेंड करूंगा, डिस्काउंट और सेल रेगुलरली आते रहते हैं उसमें आप ले सकते हो, क्योंकि इसकी प्राइस 30,000 के आसपास तक पहुंच जाती है अगर आप सारे डिस्काउंट लगा लो, और तब ये काफी वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। तो इसी के साथ इसको डाल देते हैं हार्ड बार्गेन वाले सेगमेंट में और आगे बढ़ते हैं। तो अब जस्ट वन रीजन वाले कैटेगरी की बात करते हैं और यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है वीवो X70 Pro। बट जितना मैंने इस फोन को यूज किया उससे मुझे यही पता चला कि अगर वीवो आपको एज अ ब्रांड पसंद है और आपको जो इसका कैमरा साइंस है वो पसंद है तो ही आप ये फोन प्रेफर करोगे, वरना आपको ये फोन पसंद नहीं आएगा। और इवन तो इसका बैटरी डिजाइन और डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छा है, बट जो एक रीजन है जिसकी वजह से लोग खरीदना चाहते हैं वो है कैमरा, क्योंकि इसके अंदर एक वाइड, एक अल्ट्रा वाइड, एक टेलीफोटो और एक पेरिस्कोप टेलीफोटो मिलता है, और अभी तो मैंने सेल्फी कैमरा की बात भी नहीं करी है। तो Vivo X70 Pro को जस्ट वन रीजन वाली कैटेगरी में मैं डाल देता हूं, बट वेट, यहां पर ही अकेला नहीं है, यहां पर Oppo Reno 7 Pro भी है जो कि इसका भाई है। और जो एक रीजन है जिसकी वजह से आप ये फोन लोगे वो है इसका बेस स्टोरेज। बाकी फोन्स जो हमने इस कैटेगरी में रखे हैं वो 6 से 8 GB रैम के संग और 128 GB स्टोरेज के संग आते हैं। Oppo Reno 7 Pro 256 GB से शुरू होता है, यस, वो बेस वेरिएंट है 256 GB का। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए Oppo Reno 7 Pro एक काफी अच्छी डील बन जाती है और थोड़े टाइम बाद Oppo के फोन्स का प्राइस भी गिर जाता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, Oppo Reno 6 Pro लॉन्च किस प्राइस पे हुआ था और अभी किस प्राइस पे मिल रहा है। और इसी के साथ हम इस फोन को भी जस्ट वन रीजन वाली कैटेगरी में डाल देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट कैटेगरी है सेफ एंड साउंड। और यहाँ पर मैंने दो फोन्स को रखा है, OnePlus 9R और Samsung Galaxy S21 FE। OnePlus 9R, बिलीव इट और नॉट, जब से लॉन्च हुआ है तब से बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यू ये देता है और कई जगह तो ये OnePlus 9RT को भी पीछे छोड़ देता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैंने कई सारे वीडियोस इस पर किए, ऊपर कार्ड्स में आपको मिल जाएंगे। अगर ब्रीफ में समझाऊं तो OnePlus 9R का डिस्प्ले 9RT से ज्यादा ब्राइट है, कैमरा ऑन पार है और इनफैक्ट एक ज्यादा लेंस मिलता है OnePlus 9R में। और तीसरा, इसके अंदर है प्योर ऑक्सीजन OS, कलर OS वाली मिलावट नहीं है। बट एक कॉम्प्रोमाइज भी है, इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम है क्योंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 870 है जबकि OnePlus 9RT में 888 आता है, वरना तो ये उससे ऊपर वाले टीयर में जाता। मेरे कहने का मतलब ये है कि 33,000 रुपीज में अभी इस समय पे आपको OnePlus का इससे बेटर फोन नहीं मिलेगा और इसीलिए मैं इसको सेफ एंड साउंड कैटेगरी में डाल देता हूँ। कंप्यूटर जी जल्दी से इसको डाल दो, सॉरी एडिटर जी।
इसके बाद है Samsung Galaxy S21 FE जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फोन है, क्योंकि एक तरफ ये प्लास्टिक बैग देते हैं जो इस कैटेगरी में कोई नहीं देता, सब ग्लास देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ इसके अंदर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है जहां दूसरे ब्रांड वायरलेस चार्जिंग तक नहीं दे रहे हैं। और प्रोज की बात करें तो इसमें कैमरा बहुत ज्यादा अच्छा है, सेल्फीज और पोर्ट्रेट्स माइंड ब्लोइंग आती हैं, और साथ में उसके है AMOLED 120 हर्ट्ज का सुपर ब्राइट डिस्प्ले। नीड आई से मोर? बट कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं, जैसे कि सिर्फ 25 वॉट की चार्जिंग मिलती है और चार्जिंग ब्रिक तक नहीं मिलती बॉक्स में। और दूसरा, ये फोन काफी ज्यादा थ्रॉटल होता है मेरे यूसेज में, चाहे वीडियो बना रहे हो या एक्सट्रीम गेमिंग कर रहे हो, ये फोन थ्रॉटल होता है और काफी ज्यादा हीट हो जाता है। तो अगर आप एक लाइट यूजर हो और आपको इन कॉम्प्रोमाइजेस से फर्क नहीं पड़ता तो आप एकदम सेफ हो। और ये साउंड पता है किसकी है? सब्सक्राइब बटन की, दबाओ जल्दी। ओके, तो अगली कैटेगरी है Cashify अप्रूव्ड। यहाँ पर मैं सिर्फ उन्हीं फोन्स को डालूंगा जो मैं हर कंडीशन में रेकमेंड कर सकता हूँ किसी भी यूजर को। ये फोन्स इतने अच्छे हैं, आप मेरा स्टैंप ले लो। चलो, इस कैटेगरी का पहला फोन IQ9, 10 बिट का सुपर ब्राइट डिस्प्ले, 120 वॉट की क्रेजी फास्ट चार्जिंग, मजेदार परफॉर्मेंस और बढ़िया कैमरा। तो ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल फोन है और फीचर्स भर भर के हैं, बट लोग IQ का नाम सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये कैसा फोन है। पर जो फीचर्स मिलते हैं इस प्राइस में, बॉस, बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। और स्नैपड्रैगन 888+ की परफॉर्मेंस गेमिंग में आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगी, और गिम्बल स्टेबलाइजेशन है तो वीडियोस भी बहुत अच्छी बनेंगी इससे। और माना कि एक दो जगह बग्स है सॉफ्टवेयर में, फ्रंट टच OS अभी थोड़ा रिफाइंड कम है बाकी OS के कंपैरिजन में, और थोड़ी सी सेल्फीज अंडरवेलमिंग आती है, बट नोबडी इज परफेक्ट, राइट? इसी के साथ इसको सेफ एंड साउंड वाली कैटेगरी में हम डाल देते हैं, Cashify अप्रूव्ड। अब नेक्स्ट है OnePlus 9RT, एंड ओह माय गॉड, ये ब्लैक क्या कलर है, क्या इसकी डिजाइन है, क्या इन हैंड फील है, मतलब मजा ही आ जाता है। बट इसको लेना क्यों है? प्रोज गिनाता हूँ। बढ़िया बैटरी, बढ़िया डिजाइन, बढ़िया सॉफ्टवेयर, बट क्योंकि इसके अंदर भी थोड़े बहुत कॉन्स हैं तो वो भी गिना देता हूँ। डिस्प्ले थोड़ी सी कम ब्राइट है और कैमरा इतना बड़ा अपग्रेड फील नहीं होता OnePlus 9R के कंपैरिजन में, बट क्योंकि ये बहुत अच्छी वैल्यू देता है इसलिए Cashify अप्रूव्ड और सीधा टियर में। अब एक और फोन बचा है जो इस टियर में आता है, वो है iPhone 12, फॉर ऑब्वियस reasons, क्योंकि इसके अंदर है सुपर रेटिना डिस्प्ले, XDR मतलब कि एकदम क्रिस्प और सुपर ब्राइट कंटेंट, बैटरी लाइफ, फुल डे बैटरी आपको मिलती है तो नो कंप्लेंट्स अबाउट दैट, और कैमरा के मामले में तो iPhone 12 के वीडियोस और पोर्ट्रेट्स का तो कोई मैच ही नहीं है। हमारे स्टूडियो में जसविंदर इसका फैन है। अब आप सोच रहे होंगे कि एंड्रॉइड के बीच में मैं iPhone क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। वेल, आपको एक स्टार्ट बताता हूँ। 50,000 के ऊपर जितने भी फोन बिकते हैं इंडिया में, 75% लोग सिर्फ आईफोन खरीदते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसका प्राइस 50,000 से थोड़ा सा ज्यादा है, बट आपको वेट करके, ट्रेड इन करके या फिर सेल का ही वेट करके क्यों ना लेना पड़े, ये फोन बहुत ज्यादा वैल्यू देता है। तो अप्रूव्ड एंड एडेड टू टियर, वेल यहाँ पर सिर्फ वो फोन जाएंगे जिनमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और अभी तक मुझे ऐसा कोई भी फोन नहीं मिला जो इस कैटेगरी को डिजर्व करता हो। तो तब तक के लिए इस थ्रोन को हम खाली रखेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई फोन डिजर्व करता है इस कैटेगरी में आना, तो नीचे कमेंट्स करके मुझे बताओ और मैं चेक करूंगा क्या वो फोन सही में डिजर्व करता है इस थ्रोन पर बैठना। तो लग जाओ काम पे, ढूंढ के लाओ ऐसा फोन। तो आई होप मैंने आपका सारा का सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया होगा अगर आप कोई 50,000 का फोन लेने का सोच रहे थे तो। और अगर आपका कोई दोस्त भी है जो 50,000 का फोन लेने के बारे में सोच रहा है, तो आपको पता ही क्या करना है, ये वीडियो उसको WhatsApp पे शेयर कर देनी है। तो तब तक वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरे अगले वीडियो का वेट करो। मैं जाता हूँ राजकुमार राव को बुलाने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।